Hey my charm fam, what's up? Welcome back to my channel. I hope you all are safe and doing great. Well, wedding season तो चल ही रहा है and सामने festive season भी आने वाला है. So I thought let's do a series of like one brand makeup and ताकि अपना जो makeup kit है वो अपना select कर सको इन सारे products में से. And आज का जो brand है वो है आपका सबका favorite and mine too, that is Swiss Beauty. Yes, आप लोग मुझे काफ़ी दिन से request कर रहे थे and ये आप wedding gifts में या फिर आपका किसी festival like दुर्गा पूजा आ रहा है, दिवाली आ रहा है, उसके लिए ये लुक काफ़ी सही है. एंगेजमेंट के लिए अगर आप ब्राइड टू बी हो तब भी एंगेजमेंट के लिए काफ़ी सही लुक है. सो इफ़ यू वांट टू क्रिएट योर ओन मेकअप किट, क्योंकि मैं पूरा फेस करने वाली हूँ ओनली वन ब्रांड से, तो आप ये सीरीज़ को फॉलो करना आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है. एंड क्योंकि स्विस ब्यूटी प्रोडक्ट्स काफ़ी ज़्यादा अफोर्डेबल है, काफ़ी सारा चॉइस मिल जाएगा स्विस ब्यूटी का प्रोडक्ट्स में, काफ़ी सारा शेड रेंज मिल जाएगा. एंड वन मोर अनाउंसमेंट, मैं बहुत जल्दी कप्स एंड लैशेस का वन ब्रांड मेकअप ट्यूटोरियल लाने वाली हूँ. स्टे ट्यून्ड फॉर दैट. Before starting, if you are new here, subscribe to my channel, press the bell icon ताकि मेरा कोई वीडियो आपसे मिस ना हो. And yeah, let's get started. Okay, so my CTM routine is done. The next thing I'm gonna do is I'm gonna apply a sunscreen. And I have actually Swiss Beauty का sunscreen, that's why I'm showing it to you. So ये जो है ये sunscreen spray है. It has red pomegranate protection. It has a water plus sun protection. First of all, तो ये किसी को थोड़ा सा problematic हो सकता है किसी के लिए, because it has this white cast वाला effect. So ये पूरा liquid form में आता है. एंड व्हाट आई डू, मैं पूरे फेस पे इसने ऐसे डैब डब करके लगा लेती हूँ. ये शुरू शुरू में थोड़ा सा वाइटिश लग रहा होगा, बट बाद में अगर आप थोड़ा सा टैप क्रैप करो ना बहुत देर तक, ये काफ़ी हद तक आपकी स्किन के साथ मैच हो जाता है. आई रियली लव दिस सनस्क्रीन. सो सनस्क्रीन अप्लाई करने के बाद थोड़ा सा वेट करो ताकि सनस्क्रीन अच्छा से स्किन पे अब्जॉर्ब हो जाए, सेटल हो जाए, उसके बाद ही नेक्स्ट स्टेप में मूव करो. स्किन केयर एंड हेयर केयर इज़ रियली इंपॉर्टेंट. हम बहुत कुछ यूज़ करते हैं अपने स्किन और हेयर के लिए, बट क्या आपको ये पता है कि जो आप इनटेक करते हो, जो आप खाते हो, उससे काफ़ी ज़्यादा असर पड़ता है आपके स्किन और हेयर के ऊपर. सो इंट्रोड्यूसिंग BM वेलनेस हेल्थ कॉम्बो, इंडिया का सबसे पहला प्लांट बेस्ड फ्रूट फ्लेवर्ड न्यूट्रिशन. एंड इस कॉम्बो पे आपको मिलता है नेचुरल टैंगी ऑरेंज फ्लेवर्ड बायोटिन पाउडर एंड नेचुरल ट्रॉपिकल मैडनेस फ्लेवर्ड कोलाजिन पाउडर. वेल, कोलाजिन एंड बायोटिन आपके स्किन, हेयर, नेल, जॉइंट हेल्थ को इम्प्रूव करने में हेल्प करता है. ये ओवरऑल आपके हेयर ग्रोथ को इम्प्रूव करता है, आपके जो हेयर ग्रेइंग का प्रॉब्लम है उसे रिड्यूस करता है एंड हेयर फॉल का प्रॉब्लम को भी ये रिड्यूस करता है. एंड ये स्किन का टेक्सचर इंप्रूव करने में हेल्प करता है, सो दैट आपको मिले क्लीन एंड ग्लोइंग स्किन. BM वेलनेस प्रोडक्ट्स आर कम्प्लीटली नेचुरल एंड इन्होंने हर्ब्स एंड प्लांट एक्सट्रैक्ट्स को एक फ्रूटी फ्लेवर दिया है. सो अब हम हर्ब्स को ले सकते हैं बिगर हमारे टेस्ट को खराब किए. वेगन कोलाजिन बूस्टर में आपको मिलता है 8 एंटी एजिंग, 10 प्रो कोलाजिन सुपरफूड, 3 होल फूड्स विटामिन एक्सट्रैक्ट इंग्रेडिएंट्स. एंड बायोटिन में आपको मिलता है 10,000 प्लस MCG बायोटिन फ्रॉम 4 नेचुरल सोर्सेज. एंड गेस द प्राइस, ये कॉम्बो आपको मिलता है ओनली 749 रुपीज में. एवरी वन वेदर मेल और फीमेल शुड टेक इट ताकि आपका जो जनरल हेल्थ है वो मेंटेन हो सके. ट्राई इट एंड देन गो फॉर द बिगर पैकेजिंग इफ यू लव इट लाइक मी. सो आई विल लिंकिंग दिस कॉम्बो इन माई डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो, डू चेक आउट. सो मेरा जो सनस्क्रीन है अच्छी तरह से मेरी स्किन पे अब्सॉर्ब हो गया, एंड यू कैन सी काफी हद तक जो व्हाइटनेस है, जो व्हाइट कास्ट है ना, वो रिड्यूस हो गया है. एंड इससे आपको मिलता है 150 ml एंड द प्राइस इज वेरी लेस, आई गेस 3349 ऐसा कुछ प्राइस था इसका. सो या, अ बिग थम्स अप फॉर द सनस्क्रीन. नेक्स्ट आई एम गोना यूज अ प्राइमर एंड आई डोंट हैव स्विस ब्यूटी का पोर फिलिंग प्राइमर, सो आई एम गोना बी यूजिंग स्विस ब्यूटी रियल मेकअप बेस इल्यूमिनेटिंग लाइक हाईलाइटिंग प्राइमर. सो मेरे पास जो है ये है 01, इसमें जो कि ये व्हाइट दिख रहा है ना, इट्स नॉट एट ऑल लाइक लगाने के बाद ही बिल्कुल ही व्हाइट नहीं दिखता. सो मैं इसे क्या करूँगी, मैं अपने नोज पे इसे अप्लाई नहीं करूँगी, मैं इसे बाकी पूरे फेस पे अप्लाई करूँगी, क्योंकि मेरा नोज काफ़ी जल्दी यू नो ऑयली हो जाता है. सो आई एम जस्ट स्किपिंग दैट पार्ट. एकदम क्लोज देखने में आपको यू नो एकदम स्मॉल लाइक बहुत ही स्मॉल पार्टिकल नजर आएगा, बट इफ़ यू सी लाइक दिस यू कैन सी माई स्किन इज ग्लोइंग लाइक ग्लास स्किन, राइट. ये पोर फिलिंग का काम नहीं करता, बट ये जो है आपकी स्किन को काफ़ी हद तक स्मूथ बनाता है. मेरे पास ऐसे स्विस ब्यूटी का दो फाउंडेशन है, एक तो मैंने ऑलरेडी यूज़ किया था मेरे पहले वाला स्विस ब्यूटी का वन ब्रांड में, एंड नाउ आई हैव दिस वन. दिस इज स्विस ब्यूटी रिपेयर कंसील मॉइस्चर स्किन केयर CC क्रीम फाउंडेशन. सो यस, माई शेड इज 04 नेचुरल न्यूट. द पैकेजिंग इज सेम एज द प्राइमर, क्योंकि मेरे पास है इसलिए मैं यूज़ कर रही हूँ, अदरवाइज शायद मैं इसे यूज़ नहीं करती, बिकॉज इसका कवरेज फर्स्ट ऑफ ऑल इज नॉट गुड एंड इट हैज़ दिस स्टिकी सा, यू नो एक स्टिकी वाला, क्या बताओ, स्टिकी सा है. सो
अच्छी तरह से ब्लेंड भी नहीं होता. सो आई डोंट लाइक दिस, बट क्योंकि आई हैव दिस फाउंडेशन एंड दिस इज माई शेड लकीली, सो आई एम यूजिंग दिस फाउंडेशन. सो आई एम यूजिंग स्वीस ब्यूटी का ब्रश, लाइक फ्लैट टॉप ब्रश जो सेट में आता है. एक्चुअली लूज नहीं मिलता है, लूज मतलब सिंगल भी मिलता है, इट्स लूज आटा बेचरी का लूज मिलता है. एनीवे तो मैं इसे यूज़ करूँगी मेरे फाउंडेशन को ब्लेंड करने के लिए. नेक्स्ट आई एम गोइंग टू यूज़ अ कंसीलर एंड आई हैव द स्वीस ब्यूटी लिक्विड कंसीलर, वो भी काफ़ी अच्छा है, बट आज मैं यूज़ करूँगी ये वाला. दिस इज स्वीस ब्यूटी एच डी कंसीलर, पेन कंसीलर एंड माई शेड इज 03 प्योर बेज एंड ये जो है न्यू लॉन्च है, इसलिए आई एम गोइंग टू यूज़ दिस एंड आई लव दिस टू बी ऑनेस्ट. सो इसे ट्विस्ट करने से निकलता है ऐसे, ये मीडियम टू वेरी हाई कवरेज प्रोवाइड करता है एंड इसका फिनिश मुझे काफ़ी अच्छा लगता है. सो इट्स अ लाइक बिग येस फॉर दिस कंसीलर अगर आपको परचेज करना है तो. एंड यू कैन सी कितना अच्छा से ब्लेंड हो गया एंड द फिनिश इज रियली अमेजिंग. सो मेरे पास जो है नेक्स्ट जो है सेट करने की बारी आती है एंड आई एम यूजिंग स्विस ब्यूटी लूज फिनिशिंग पाउडर. मेरे पास प्राइमेंट सेट पाउडर भी है बट वो थोड़ा सा वाइटिश है, लाइक ट्रांसलूसेंट है एंड वो ना अजीब सा स्मेल देता है. सो आई डोंट रियली लाइक यूजिंग दैट एंड माई शेड इज 02 बनाना. आई लव द पैकेजिंग ऑफ इट, आई लव द फिनिश ऑफ इट, लाइक एवरीथिंग मुझे इसका काफ़ी अच्छा लगता है वैसे. सो इट्स अगेन अ बिग येस अगर आपको परचेस करना है तो आई वुड हाईली रिकमेंड यू गाइज टू ट्राई दिस वन. सो इसके साथ जो पफ आता है ना, मैं उसी के हेल्प से इसे लेके, बाय द वे इसके साथ एक मिरर भी आता है, दैट्स अ गुड वन. सो आई एम जस्ट गोइंग टू डैब द प्रोडक्ट लाइक दिस एंड आई स्वेटर लॉट मेरे नोज के अराउंड. सो मैं नोज के अराउंड अच्छी तरह से अप्लाई कर लूँगी. ओके सो नेक्स्ट बिफोर सेटिंग माई फेस आई एम गोइंग टू यूज़ अ क्रीम ब्लशर एंड दिस इज लाइक स्विस ब्यूटी ब्लशर स्टिक. माई शेड इज मेरा शेड है 03. लेट्स यूज माई फिंगर लाइक दिस एंड देन जस्ट अप्लाई इट लाइक हियर. द शेड इज रियल प्रिटी. तो वेल इसके पीछे जो है ना आपको एक स्पंज मिलता है टू ब्लेंड दिस, बट ये काम नहीं करता उतना अच्छी तरह से. सो आई नेवर यूज़ दिस. तो इसके बाद में जल्दी से ना स्विस ब्यूटी का जो ये पैलेट है, लाइक स्विस ब्यूटी अल्ट्रा ब्लश पैलेट, इसके में से जो दिस शेड है ये काफ़ी क्लोज है ये ब्लश शेड के साथ, इसे मैं जल्दी से अप्लाई कर लेती हूँ. ये काफ़ी ज़्यादा पिगमेंटेड है वैसे ये पैलेट, बता दूँ मैं. Now I'm gonna set my base and I'm using a Swiss Beauty makeup fixer. And आप पूछते हो कि ये makeup fixer कैसा है? Well, this is not great, but at this price point, like 249 इसका price है, उसके हिसाब से देखा जाए तो ये काफ़ी हद तक अच्छा है. इसमें विटामिन ई एंड एलोवेरा है. सो नेक्स्ट फॉर द आईज आई एम वेरी कन्फ्यूज. मैं बता दूँ आपको, पास मेरे पास है टोटल 4 पैलेट. सबसे पहले मैंने ये परचेज किया था, दिस इज़ द 9 शेड आई शेडो पैलेट. इसमें आपको मिलेगा टोटल 2 शिमर शेड्स एंड बाकी सब जो है 7 शेड्स जो है मैट शेड्स हैं एंड बहुत ज़्यादा पिगमेंटेड है. इसे मैंने काफ़ी बार यूज़ किया है. दिस इज़ स्विस ब्यूटी अल्ट्रा प्रोफेशनल पैलेट फुल फेस लाइक हाईलाइटर ब्लश कॉन्टोर एंड यहाँ पर मिलेगा 6 शेड्स ऑफ आई शेडो जो सारा का सारा ही नो शिमर शेड्स है. आई रियली लव दिस पैलेट. नेक्स्ट पैलेट आई हैव इज स्विस ब्यूटी वेगस लव पैलेट, कंप्लीट फेस पैलेट. इसमें आपको एक अच्छा वाला मिरर मिलता है, बिग साइज गुड क्वालिटी मिरर एंड देन देर यू हैव दिस फुल फेस पैलेट लाइक फेस थिंग कॉन्टोर, दो ब्लश एंड वन हाईलाइटर विच इज़ वेरी पिगमेंटेड, वेरी हिट वन. देन आपको मिलता है यहाँ पे एक मैट शेड ब्राउन शेड अपने क्रीज के लिए एंड बाकी सब जो है आपको दिख रहा है दिस इज लाइक शिमरी शेड. नेक्स्ट मेरे पास जो आई शेडो पैलेट है वो है स्विस ब्यूटी 32 कलर फॉर एवर आई शेडोज. इसका प्राइस आएगा 349 ऐसा कुछ था एंड ये जो पैलेट है ना दिस इज लाइक ऑल शिमर शेड्स. इसमें आपको कोई मैट शेड्स नहीं मिलेगा बट दिज आर वेरी पिगमेंटेड, वेरी गुड क्वालिटी शेड्स. सो फॉर द ट्रांजिशन शेड आई एम गोइंग टू यूज दिस ऑरेंजिश बर्नड ऑरेंज शेड, अ ब्यूटिफुल शेड. एक्चुअली मुझे भी नहीं पता मुझे करना क्या है, लेट्स सी कि क्या होता है. आप लोग काफ़ी दिनों से ग्रीन आईज़ का रिक्वेस्ट कर रहे थे, लाइक ग्रीन एमरल्ड ग्रीन या फिर टर्कोइज़, बहुत सारा रिक्वेस्ट मिल रहा था मुझे एंड यू कैन सी आई मीन ओ माय गॉड दिस इज सच अ ब्यूटीफुल पैलेट. दिस शेड राइट हियर, दिस ब्राउन शेड एंड स्विस ब्यूटी का एक पेंसिल ब्रश आता है जो कि मेरा काफ़ी फेवरेट है.
तो मैं उसे यूज़ करूँगी, थोड़ा सा क्रीज के नीचे अप्लाई करूँगी ताकि जब ब्लेंड करूँ ना तो ये क्रीज तक पहुँच जाए। विद द फर्स्ट ब्रश मैं फिर से जो फर्स्ट शेड है ऑरेंज शेड उसे लेके अपने ब्राउन शेड को ब्लेंड कर ली हूँ। आई एम गोइंग टू यूज 32 कलर आई शैडो पैलेट एंड ये जो ये वाला शेड है ना इसे लेके मैं अपने फिंगर की हेल्प से लेट्स यूज दिस ब्रश बाय स्विस ब्यूटी, ये फ्लैट टॉप लाइक फ्लैट शेडर ब्रश है, इसे लेके मैं थोड़ा सा ना गीला कर लेती हूँ इसे। मैं इसे मेरे पूरे आईलिड पे अप्लाई करूँगी। आई एम गोइंग इन विद द सेकेंड ब्रश द पेंसिल ब्रश एंड इसे लेके मैं अच्छी तरह से ना ब्राउन शेड के साथ जो ये ग्रीन शेड मैंने अप्लाई किया है इसको मैं ब्लेंड कर लूँगी। सो लेट्स फर्स्ट यूज़ द ऑरेंज शेड जो मैंने अपने क्रीज पर अप्लाई किया है एंड आई एम गोइंग विद दैट सेम ब्लेंडिंग ब्रश एंड मैं इसे बस यहाँ तक अप्लाई करूँगी। कैन यूज दिस पिंक शेड नो दिस पिंक शेड लोअर लैश लाइन पे, वेल नो लेट्स यूज अ ग्रीन शेड। सो मैं एकदम लैश लाइन के क्लोज इसे अप्लाई कर रही हूँ। मेरे पास है ये लूज पिगमेंट स्विस ब्यूटी का फॉल पिगमेंट विच इज रियली गुड, अगर आप इसे लूज इट यूज करना चाहो तो यूज कर सकते हो। यू कैन यूज एनी ग्लिटर ग्लू बेस इसे अप्लाई करने के लिए। नेक्स्ट मेरे पास है दो लिक्विड ग्लिटर शेड्स जो कि काफ़ी अच्छा है, आपको पता ही होगा दिस आर लाइक ग्रेट, द प्राइस पॉइंट इज ग्रेट। मैं इसे काफ़ी यूज़ करती हूँ, दिस शैम्पेन गोल्डन शेड 02। सो आई हैव द न्यू शेड विथ मी दैट इज 03 शैम्पेन। सो इसको लेके मैं क्या करूँगी, मैं थोड़ा सा लोअर लैश पे अप्लाई करूँगी लाइक द फर्स्ट हाफ, ठीक है। काफ़ी ज़्यादा हम पे अप्लाई हो गया सो मैं एक ब्रश की हेल्प से इसे थोड़ा सा टैप कर लेती हूँ। सो नेक्स्ट मेरे पास है स्विस ब्यूटी का आई लाइनर। सो मैं इसको ड्रॉ अ थिन लाइन मेरे आई लिड के ऊपर लाइक आई अपर लैश लाइन के ऊपर एंड मैं विंग क्रिएट नहीं करूँगी। नेक्स्ट है मेरे पास स्विस ब्यूटी का फॉल्सीज एंड दिस इज माई वेरियंट इज विंकी। इसका प्राइस काफ़ी कम है, मुझे ये मिला है, ये मैंने परचेज किया है फ्रॉम इस प्लानट ऑफलाइन बट ये ऑनलाइन पर अवेलेबल है आई थिंक 89-79 पे आपको आराम से मिल जाएगा। सो आई एम जस्ट गोइंग टू अप्लाई इट क्विकली एंड तभी मैं अपना दूसरा आई वी कम्प्लीट करके वापस आती हूँ। सो माई आई लुक इज़ कम्प्लीट एंड इट्स लुकिंग प्रीटी नाइस, आई लव इट। सो नाउ लास्ट में मैं करती हूँ मेरे आईब्रोज को फिल एंड इसमें से ये डार्क ब्राउन शेड को लेके आई एम गोइंग टू फिल माई ब्राउज, जो भी गैप्स है उसमें फिल कर लूँगी। सो कॉन्टोर माई फेस आई एम गोइंग टू यूज दिस पैलेट एंड मैं एक एंगुलर ब्रश की हेल्प से इसे लेके मैं अपने फेस को कॉन्टोर कर लूँगी। If you are doing any you know heavy makeup like अगर आपका किसी occasion में जाना है and like शादी वगैरह हो you can absolutely contour your face, आपका जो pictures है ना वो काफ़ी ज़्यादा सुंदर आता है। सेकेंड लास्ट स्टेप इज हाईलाइटर। मेरे पास स्विस ब्यूटी का 4 हाईलाइटर्स है, दिस इज स्विस ब्यूटी ब्लशिंग लव बेक्ड ब्लशर बट इट्स एक्चुअली हाईलाइटर क्योंकि ये शिमरी है। सो दिस इज हाउ इट लुक्स लाइक, बहुत ही एकदम ब्लाइंडिंग वाला इफेक्ट देता है। सो द शेड इज रियली प्रीटी। नेक्स्ट आई हैव दिस स्विस ब्यूटी बेक्ड ब्लशर एंड हाईलाइटर, दिस इज ऑल्सो ब्यूटिफुल शेड बट उतना ज़्यादा पिगमेंटेड नहीं है एंड इसमें भी कोई बिल्कुल ग्लिटर चंक्स नहीं है। सो दिस इज अ वेरी सटल पैलेट एंड नेक्स्ट द पैलेट आई हैव इज दिस स्विस ब्यूटी ब्रिक हाईलाइटर। द शेड्स आर रियली ब्यूटिफुल एंड पिगमेंटेड एंड येट नो हार्श चंक्स, ओके। सो ये भी बहुत सुंदर है। नेक्स्ट द लास्ट एंड माई फेवरेट ऑफ ऑल दिस स्विस ब्यूटी फ्यूजन हाईलाइटर जो कि न्यू लॉन्च हुआ था एंड माई शेड इज 01। ये बहुत अच्छा, अगर आपको बाई करना ही है स्विस ब्यूटी का हाईलाइटर मैं बोलूँगी आप ये वाला बाई कर लो फ्यूजन हाईलाइटर। 299 इसका प्राइस है, बहुत ही अफोर्डेबल है एंड बहुत ही गुड क्वालिटी है। सो मैं आज लेट्स यूज़ द पैलेट जो कि है फेस पैलेट लाइक अल्ट्रा ब्लशर पैलेट, लेट्स यूज़ दिस शेड राइट हियर एंड दिस पैलेट एज आई सेड काफ़ी पिगमेंटेड पैलेट है एंड दिस हाईलाइटर इज ब्लाइंडिंग। No, your body should glow also. Why should your face only?
सो आई एम गोइंग इन विद दैट सेम शेड जो मैंने एकदम पहले यूज़ किया था, इसे लेके मैं थोड़ा सा मेरे चिक्स पे अप्लाई कर लूँगी। तो नाउ द लास्ट स्टेप इज लिपस्टिक। मेरे पास स्विस ब्यूटी का एक ही रेंज में से टोटल चार शेड्स है, मैट मी लिक्विड लिपस्टिक रेंज, एंड आई हैव दीज फोर शेड्स विथ मी। इसमें से दो ब्राउन शेड है and one is red, another one is a dark plum shade, then is cafe, this is light brown shade. So I think light brown shade will literally go with this look, so I'm just gonna go with this. काफी अच्छा है इसका formula, उतना भी drying formula नहीं है. So this shade is more of a a reddish red brick brown shade. So yeah, this is my final look and definitely लग नहीं रहा कि मैंने किसी affordable drugstore brand से makeup किया है. I just didn't like the CC cream foundation, that is a big no-no for me, and otherwise बाकी सब अगर कह लो all are literally good, like I love Swiss Beauty products. So yeah, let me know in the comment section below कि आपको ये look कैसा लगा, and if you are gonna recreate this look, this whole look, you can tag me मेरे Instagram पे, मेरे story डाल के वहाँ पर मुझे tag करना, ज़रूर मैं देखूँगी, मैं I would love to share your looks. So yeah, that is it for today's video. I hope you guys enjoyed this, and I'll see you guys in my next video, and I love you all.